can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. Mahindra Scorpio N, एक ऐसी कार जो मार्केट में आजकल काफी छाई हुई है। आपने भी देखा होगा काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसे खरीद रहे हैं, बट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये वर्थ इट है, और अगर हाँ तो क्या क्या फीचर देखने को मिलता है। ये सभी चीजें डिस्कस तो करेंगे ही, बट चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पास्ट से। तो ये कहानी की शुरुआत होती है 2002 से, जब महिंद्रा का 50th एनिवर्सरी था। तभी मार्केट में महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो को उतारा था, और ये महिंद्रा की पहली ऐसी कार थी जिसकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी इंडिया में हुई थी। साथ ही ये एक ऐसी एसयूवी थी जिसमें कि आपको सेडान जैसे फीचर्स भी ऑफर किए गए थे, लाइक रियर सेंसिंग वाइपर, क्रूज कंट्रोल, वॉइस असिस्ट एंड रिवर्स सेंसर्स। और इसका स्टार्टिंग प्राइस था 5.5 लाख, और तब से लेकर आज तक ये गाड़ी काफी सक्सेसफुल रही। कुछ लोग तो इसे रंगदारी दिखाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे महिंद्रा ने इसमें काफी अपग्रेड किए, फिर महिंद्रा ने सोचा कि क्यों ना स्कॉर्पियो को एक नया लुक दिया जाए बड़े साइज के साथ। सो जस्ट आफ्टर द 20 इयर्स लॉन्च ऑफ महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो एन को 2022 में लॉन्च किया। साथ ही इसे बिग डैडी ऑफ ऑल एसयूवीज का टैगलाइन भी दिया। सीरियसली बताओ तो स्टार्टिंग में इसका लुक्स एंड डिजाइन मुझे ज्यादा खास नहीं लगा था, बिकॉज मुझे स्कॉर्पियो क्लासिक ज्यादा पसंद थी, बट अब तो ये काफी दमदार लगती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा सीन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं इस बिग डैडी में कंपनी ने क्या क्या फीचर्स ऑफर किए हैं। आप अपने सीट बेल्ट को लगा लीजिएगा, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, ये है अपनी स्कॉर्पियो एन का टॉप एंड वेरिएंट Z8 फोर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ। सबसे पहले आपको इसका प्राइस बता दूं तो उसके बेस वेरिएंट Z2 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन का प्राइस है 15.85 लाख, एंड इसका टॉप वेरिएंट Z8L डीजल फोर व्हील ड्राइव के साथ जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 28.36 लाख। तो इसका ओवरऑल लुक देख सकते हैं, काफी लंबी चौड़ी देखने को मिलती है, एंड इसका नेम बिग डैडी काफी सही रखा गया है। एंड ये है इसका ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल, डोर ओपन होंगे तो कुछ इस टाइप का लुक देखने को मिलता है। एंड ये है इसका ओवरऑल रियर प्रोफाइल, डोर कुछ इस टाइप से वर्क करता है। साथ ही इस एंगल से भी आपको बड़े साइज का आइडिया लग रहा होगा। फ्रंट में आपको काफी बड़ा क्रोम फिनिश्ड ग्रिल ऑफर किया गया है, साथ ही सेंटर में महिंद्रा का लोगो है, और इधर मिलता है LED हेडलाइट सेटअप, लो बीम एंड हाई बीम विद सिक्वेंशियल इंडिकेटर, साथ ही नीचे प्रोजेक्टर फॉग लैंप एंड LED DRS भी ऑफर किया गया है। एंड ये है इसका ओवरऑल फ्रंट बम्पर का लुक, साथ ही फ्रंट बैक कैमरा दिया गया है, एंड ये बोनट के कट्स कुछ इस टाइप के मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके व्हील प्रोफाइल की। सो इसमें आपको 17 इंचेस का काफी बड़ा व्हील दिया जाता है 245/65 सेक्शन टायर प्रोफाइल के साथ। साथ ही कुछ इस डिजाइन में अलॉय व्हील ऑफर किया गया है, सेंटर में महिंद्रा का लोगो है, एंड ये है ORVM का ओवरऑल लुक LED इंडिकेटर के साथ। ड्राइवर डोर हैंडल पे आपको रिक्वेस्ट बटन दिया गया है अलोंग विद क्रोम स्ट्रिप, एंड रियर डोर हैंडल भी क्रोम फिनिश के साथ आता है। डोर के नीचे भी आपको कुछ क्रोम पीसेस देखने को मिल जाएंगे। साथ ही ये है इसका स्टेप, साथ ही विंडोज की फिनिशिंग भी क्रोम फिनिश में दी गई है जो कि काफी प्रीमियम फील देता है। इसके अलावा सभी व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है। तो चलिए एक बार इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ। सो साइड से ये कुछ इस टाइप की दिखती है, कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो चलिए अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की ओर। तो पीछे से कुछ इस टाइप का लुक मिलता है, एंड देखने में भी काफी वाइड है। साथ ही रियर में भी एक कैमरा दिया गया है, इधर देखने को मिलता है ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट एंड इंडिकेटर, साथ ही नीचे रियर फॉग लाइट एंड रिफ्लेक्टर भी ऑफर किया गया है, एंड बम्पर में क्रोम फिनिशिंग भी काफी प्रीमियम लुक दे रहा है। साथ ही स्किड प्लेट भी काफी रफ टफ फील देता है। टॉप में शार्प पिन एंटेना, कुछ इस टाइप के स्पॉइलर और हाई माउंटेड ब्रेक लाइट भी दिया जाता है। साथ ही रियर में डिफॉगर और वाइपर भी प्रोवाइड किया गया है, एंड यहाँ पर देखें तो 4X4 की बैजिंग है बिकॉज ये फोर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आता है। साथ ही रियर डोर हैंडल्स में भी आपको रिक्वेस्ट बटन दिया गया है क्रोम फिनिशिंग के साथ, एंड सेंटर में महिंद्रा का लोगो, लेफ्ट साइड में 57 लीटर का डीजल टैंक दिया गया है, एंड बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो ये है 187 mm। साथ ही टॉप में क्रोम फिनिश्ड रूफ रेल्स और सनरूफ प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए बात करते हैं इसके ओवरऑल डायमेंशंस की। इसका ओवरऑल लेंथ देखने को मिलता है 4662 mm, एंड बात करें विड्थ की तो ये है 1917 mm, साथ ही हाइट देखने को मिलता है 1857 mm, और व्हील बेस भी काफी अच्छा खासा मिल जाता है 2750 mm का। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इसके अंदर का ओवरऑल लुक। तभी सीट्स ओपन रखते हैं तो ज्यादा बूट स्पेस नहीं मिलता है, एंड ओवरऑल इंटीरियर कुछ ऐसा है। बात करें रियर डोर की तो काफी सॉफ्ट टच है, यहाँ पे विंडो का पावर कंट्रोल दिया गया है, साथ ही क्रोम फिनिश्ड लॉक एंड हैंडल है, एंड नीचे बॉटल गार्ड एंड स्पीकर्स। तो चलिए चलते हैं अब अंदर। तो ये है मिडिल केबिन 3% सीटिंग कैपेसिटी के साथ, सेंटर में आर्मरेस्ट और 3-point सीट बेल्ट भी दिया गया है, साथ ही सेंटर में 2 AC वेंट्स, उसके कंट्रोल एंड टाइप सी पोर्ट दिया गया है, एंड दिस इज रियर केबिन विद 2% सीटिंग कैपेसिटी, दोनों पर्सन के लिए सीट बेल्ट की व्यवस्था है।
और टॉप में स्पीकर, ग्रैब हैंडल्स एंड लैम्प भी ऑफर किया गया है। बात करें लेग रूम की तो कोई भी इशू नहीं होने वाली। साथ ही मिड केबिन में तीनों पर्सन के लिए हेडरेस्ट भी दिया गया है एंड मिड केबिन के लिए यहाँ पर रूफ में लैम्प गिवन है और इसमें आप सनरूफ का मजा भी ले सकते हैं। तो चलिए चलते इसके ड्राइवर केबिन में। सबसे पहले बात करें डोर कंट्रोल्स की तो यहाँ पे आपको सभी विंडोज के पावर कंट्रोल दिए गए हैं एंड ओआरएम कंट्रोल्स भी दिया गया है। साथ ही हैंडल्स वगैरह भी क्रोम फिनिश में हैं और नीचे स्पीकर और बॉटल गार्ड है। चलिए चलते हैं इस केबिन के अंदर। सो ओवरऑल इंटीरियर आपको कॉफी ब्लैक फिनिश में दिया गया है जो कि काफी रिच फील देता है। साथ ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है तो कंफर्ट का काफी ध्यान रखा गया है। यहाँ से सीट को डिक्लाइन और हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही इधर दो पैडल्स ऑफर किया जाता है। इधर आपको एसी वेंट्स, पुश स्टार्ट बटन और हेडलाइट एडजस्टमेंट का कंट्रोल्स भी दिया गया है एंड ये है इसका शानदार सा स्टीयरिंग व्हील। सेंटर में महिंद्रा का काफी प्रीमियम लोगो, लेफ्ट साइड में आपको कॉल और वॉइस असिस्टेंट का कंट्रोल्स दिया गया है एंड राइट साइड में क्रूज कंट्रोल्स वगैरह। सो ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेफ्ट साइड में टैकोमीटर एंड राइट साइड में स्पीडोमीटर। साथ ही टाइम, रेंज वगैरह का भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट में वाइपर कंट्रोल्स और राइट साइड में हेडलाइट इंडिकेटर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पे दो एसी वेंट्स और सेंटर में 8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले के साथ। उसके नीचे वॉल्यूम कंट्रोल्स, वन टच बटन्स, एसी एंड डिफॉगर के कंट्रोल्स दिए गए हैं और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हजार्ड लाइट, हिल डिसेंट कंट्रोल्स के बटन दिए गए हैं। साथ ही चार्जिंग के लिए यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पे आपको मोड कंट्रोल का नॉब मिलता है विद 4 व्हील लो एंड 4 व्हील हाई बटन के साथ एंड अ कप होल्डर। बात करें डिफरेंट मोड्स की तो फर्स्ट है नॉर्मल, सेकंड इज स्नो, थर्ड इज मड एंड फोर्थ इज सैंड एंड ये है इसका मैनुअल हैंड ब्रेक। और इधर हैंडरेस्ट मिलता है स्टोरेज बॉक्स के साथ। अपर पार्ट में आपको एसी वेंट्स मिलता है क्रोम फिनिश में एंड स्कॉर्पियो एन की बैजिंग। साथ ही बॉटम में देखेंगे तो ग्लोव बॉक्स दिया गया है। यहाँ पे ऊपर आपको मिलता है सनसेट्स विद लैम्प एंड मिरर, सेंटर में एलईडी लैम्प, ग्लास होल्डर एंड सनरूफ कंट्रोल्स। साथ ही बोथ साइड स्पीकर्स भी हैं और दोनों साइड आपको काफी बड़े बड़े ग्रैब हैंडल दिए गए हैं। साथ ही इसमें आपको सोनी के टोटल 11 स्पीकर्स मिलते हैं एंड ये है इसका अंदर का ओवरऑल लुक। एंड दिस इज ओवरऑल फ्रंट विंडशील्ड। बात करें इसके डीजल इंजन स्पेक्स की तो ये आपको मिलता है 2184 सीसी का 4 सिलेंडर के साथ। एंड देखिए इसका पावर तो आपको मिलता है 172 bhp एट 3500 rpm। वही टॉर्क आपको मिलता है 400 न्यूटन मीटर का 1715 टू 2750 rpm। बात करें पेट्रोल इंजन स्पेक्स की तो आपको मिलता है 1997 सीसी का 4 सिलेंडर के साथ। वही पावर मिलता है 200 bhp का एट 5000 rpm। वही टॉर्क मिलता है 380 न्यूटन मीटर का एट 1750 टू 3000 rpm। ये कार आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ मिलता है विद 6 एयरबैग्स। बात करें इसके ओवरऑल कलर वेरिएंट्स की तो ये टोटल 7 कलर वेरिएंट्स में अवेलेबल है। फर्स्ट इज एवरेस्ट व्हाइट, सेकंड इज डेजलिंग सिल्वर, थर्ड इज रेड रेज, फोर्थ इज डीप फॉरेस्ट, फिफ्थ इज ग्रैंड कैनियन, सिक्स्थ इज नेपोली ब्लैक, सेवन्थ इज रॉयल गोल्ड। तो आई होप इस वीडियो से आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए एंड ऐसे वीडियो और भी चाहिए या नहीं या फिर शोरूम रिव्यू वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।